Hello dear students of class 8, our lesson number 12, chapter is physical and chemical changes. In this chapter our topic is chemical changes. What are chemical changes? There are lots of changes that happen around us. For example, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जो रस्टिंग होती है वो केमिकल चेंज का एक एग्जांपल है. इन केमिकल चेंजेस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर. मींस आपने फिजिकल चेंजेस में पढ़ा था कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, बट इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. तो केमिकल चेंजेस में होता क्या है, दो जो सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्ट करते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट. फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, बोथ आर रिएक्टेंट्स बिकॉज़ दे टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, एंड इन दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर. NaCl एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स. तो इन केमिकल रिएक्शंस the substance that take part in reaction are called reactants, and the product is formed as the result of reaction are called product. अब हम कैसे पता करेंगे कि chemical reaction हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए कुछ certain parameters हैं, कुछ परिवर्तन हैं. इन परिवर्तनों के आधार पर ये पता चलता है कि chemical reaction हुई है. For example, evidence in support of chemical change. Chemical change के support में कौन कौन से evidence हैं, कैसे पता चलेगा कि ये reaction हुई है. जैसे evolution of gas, ये एक sign है chemical reaction का. For example, if we take Na2CO3 plus hydrochloric acid HCl, these are reactants and the product is from NaCl. यहाँ का जो सोडियम है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, Cl के साथ, NaCl बनाता है plus H2O plus CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मेशन होता है. तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है किसके साथ, HCl के साथ, तो जो रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2. CO2 ये गैस है और गैस के लिए हम इस प्रकार ऊपर की तरफ एरो साइन लगाते हैं क्योंकि गैस का जो नेचर होता है वो ऊपर की तरफ उठना होता है, इसलिए गैसेस के लिए जो साइन यूज करते हैं वो अपवर्ड एरो साइन यूज करते हैं. सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ तो फॉर्मेशन होता है NaCl का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का. द इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है. इवोल्यूशन ऑफ गैस इज द साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल जो चेंज है वो हैपन हुआ है और दिस इज द साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसी प्रकार से हम दूसरी रिएक्शन भी ले सकते हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये रिएक्ट करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, वहाँ बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. और जब हम इसको प्रेजेंस चेक करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑन एडिंग द सल्फ्यूरिक एसिड टू द जिंक मेटल हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हिच कैन आल्सो बी सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. ZN का रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ तो जो फॉर्मेशन होता है वो होता है जिंक सल्फेट ZnSO4 का प्लस हाइड्रोजन गैस H2 का. ये देयर आर लॉट्स ऑफ रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन है, हमने केवल एग्जांपल के रूप में एक रिएक्शन लिया है. नेक्स्ट है साइन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन.
एक केमिकल रिएक्शन में जरूरी नहीं कि सभी में गैस ही इन्वॉल्व हो, ये एक पैरामीटर हो गया। दूसरा है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, कुछ केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है एक इनसॉल्युबल सॉलिड का ऑन मिक्सिंग टू डिफरेंट सॉल्यूशन, टू डिफरेंट सॉल्यूशन की जब मिक्सिंग करते हैं तो एक सॉलिड बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ए केमिकल चेंज। द इनसॉल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ये तो इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। यानी अगर हम दो सॉल्यूशन का रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें अगर एक इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस प्रकार की रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। और ये प्रेसिपिटेट जो है वो साइन है किसका, केमिकल चेंज का, केमिकल चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का जब हम रिएक्शन करते हैं CaCl2 के साथ तो AgCl एक सॉलिड है, ये प्रेसिपिटेट है। और प्रेसिपिटेट के लिए साइन यूज किया जाता है डाउनवर्ड, क्योंकि ये सॉलिड है ये सबसे बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। और CaNO3 का होल ट्वाइस ये फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट बनता है इसमें, और AgCl इसमें सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड, CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट, ये दोनों ही क्या है इसमें, इस रिएक्शन के दौरान इनका फॉर्मेशन हो रहा है, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। और AgNO3 CaCl2 दीज आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको इस चैप्टर में आप ये समझेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इविडेंस ऑफ सपोर्ट केमिकल चेंज कि कहीं पे केमिकल चेंज हो रहा है। अभी आपने फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब आप केमिकल चेंजेस हो रहा है इसके इविडेंस के बारे में जान रहे हैं कि केमिकल चेंजेस हो रहा है तो वो चेंज कैसे हो रहा है, वो चेंजेस किस प्रकार से हो रहे हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एक केमिकल रिएक्शन में अगर ये दो पैरामीटर भी हो सकते हैं, नहीं तो इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए या तो उसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है रिएक्शन करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, या हीट का इवोल्यूशन होता है, बाहर आती है। फॉर एग्जांपल CaO का रिएक्शन जब होता है वाटर के साथ तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, प्लस हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी जो है वो बाहर आती है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं इवोल्यूशन, केमिकल रिएक्शन चेंज है और इसमें क्या हो रहा है हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है। कुछ रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनका होने के लिए और उसमें हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस वाटर के साथ ये जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। व्हाट इज CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम OH हाइड्रोक्साइड, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट का इवोल्यूशन होता है। तो दिस इज द साइन ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट पैरामीटर है एफिनेंस ऑफ न्यू कलर। कई बार क्या होता है कि एक रिएक्शन में न्यू कलर का एफिनेंस होती है, न्यू कलर बनता है, जैसे CuCO3 को जब हम हीट करते हैं, यानी CuCO3 क्या है, यह है कॉपर कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट, Cu कॉपर, कॉपर कार्बोनेट को जब हीट करते हैं द कलर ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज ग्रीन, और कॉपर कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो CuO कॉपर ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक एंड व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज ग्रीन। दिस इज द साइन ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए न्यू कलर बाय दिस एग्जांपल आई हैव एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट पैरामीटर इज अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट।
कई बार क्या होता है कि जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है, जैसे H2O वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की रिएक्शन कराई जाती है वाटर के साथ, मींस जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ी जाती है तो क्या होता है, जो वाटर है ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर गैसेस, बाय दीस पैरामीटर्स वी कैन आइडेंटिफाई द केमिकल चेंजेस। हम ये पता कर सकते हैं कि जो चेंजेस हमारे चारों तरफ हो रहे हैं वो फिजिकल चेंजेस हैं या केमिकल चेंजेस हैं। The changes that happens around us are, some changes are reversible while some changes are irreversible changes. The changes that reverse are called reversible changes. The changes that do not reverse, जो permanent हो जाते हैं वो irreversible changes. जैसे कि हमने आटे की से लोई बनाई अक्सर किचन में होता है, और उसको वापस से अगर हमने अभी पकाया नहीं तो हम उसको वापस फोल्ड करके फिर से उसको वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने एक बार उसको बेक कर लिया फिर वो रिवर्स नहीं होता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन में तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो NH3 बनती है, और NH3 वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाती है। इस प्रकार के चेंजेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल चेंजेस जो रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एरोज इन अपोजिट डायरेक्शन। इस प्रकार के एरोज का यूज किया जाता है रिवर्सिबल चेंजेस को डिनोट करने के लिए। करेक्टर, अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई, लोहे में जंग लग गई, तो अब जंग लगे हुए जो रस्ट है उससे वापस से लोहा नहीं बन सकता है। वर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न कर दिया, एस बन गए, एस से वापस पेपर नहीं बन सकता है। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म इन ए केमिकल चेंज। ये ध्यान रखने वाली बात है कि केमिकल चेंज में हमेशा फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, एक केमिकल चेंज में हमेशा एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है या नहीं। उसके बाद केमिकल चेंजेस में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, अपीयरेंस ऑफ न्यू कलर होता है, अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट, स्टेट भी चेंज हो जाती है केमिकल चेंज में। अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो गैस प्लस H2 प्लस O2 दोनों गैसेस बनती हैं। ये साइन है इसका केमिकल चेंज का। अब केमिकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मैंने एग्जांपल बताया था आपको रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। अब वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, हम हमारे आसपास आपने देखा जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रस्टिंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उनको पेंट किया जाता है, उन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा दी जाती है पेंट की, सो दैट वो डायरेक्ट जो है वो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में ना आए और जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है वो ना हो, आयरन का फॉर्मेशन ना हो। दूसरा मेथड होता है जिसमें एक सुपीरियर मेटल की कोटिंग कर दी जाती है इंफीरियर मेटल लाइक आयरन पे, और जो सुपीरियर मेटल है वो इसको रस्टिंग से बचाती है। कई प्रकार से हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, ठीक है। दिस इज अबाउट अवर टॉपिक फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। टुडे वी विल बी
we have to study about chemical changes. Thank you. Hope you will prepare all these chemical reactions that are mentioned in our book. Please उनको अच्छे से करिए. इस चैप्टर में जो केमिकल रिएक्शंस अभी आपको बताई गई हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो बैलेंस फॉर्म हो, ये केवल सिंबॉलिक ही आपको समझाने के लिए हैं, ठीक है. जैसे N2 plus H2 NH3, जिस केमिकल रिएक्शन ये अभी बैलेंस नहीं है, ये केवल आपको ये बताने के लिए है कि ये रिवर्सिबल चेंजेस का एक एग्जाम्पल है. होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.